तो ये कोई एक एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं होने वाली है जिसमें मेरा डांस है या कोई सिंगिंग है, लेकिन मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हाँ, लोग कुछ ये वीडियो देख के बोलेंगे कि ये क्या ही बताएगा इसके बारे में, इसको क्या पता होगा, ये तो अभी बहुत छोटा है। लेकिन जहां तक मुझे पता है कि ये चीज बहुत गलत है और रोज काफी लड़कियों की जिंदगियां खराब हो रही हैं, उनके परिवारों की जिंदगियां खराब हो रही हैं। कभी सोचा है कि ये बंद कैसे होगा? मैं बताता हूं, ये जो न्यू जनरेशन के लड़के हैं ना, लोफर टाइप के, ये जो बाहर घूमते हैं, इनके पेरेंट्स इनको पहले तो तमीज सिखाएं कि लड़कियों की कैसे रिस्पेक्ट की जाती है, और अगर ना माने तो डंडे भी मारे, क्योंकि इन्हीं में से जो कुछ होते हैं वो ऐसा करने की हिम्मत करते हैं। तो पहले तो इनको लाइन पे लाया जाए। और लड़कियों को मना हम लोग क्यों करते हैं कि रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए? लड़कों को समझा के भेजो ना, लड़कों को समझा के भेजो कि भाई रिस्पेक्ट करो, लेडीज की रिस्पेक्ट करो। और इस चीज को कम करने का ना सिर्फ एक ही तरीका है कि अपने आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को बताओ कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ना तो ये आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हमारी सोसाइटी में अभी भी काफी लोग हैं जो लड़कों को बढ़ावा देते हैं, सिर्फ लड़कों को बढ़ावा देते हैं कि ये लड़का इंजीनियर बनेगा, पायलट बनेगा या वगैरह वगैरह। और लड़कियों के बारे में इनकी सोच अभी भी उतनी ही छोटी है। तो पहले तो इस सोच को बदलो, क्योंकि लड़के ना सोचते हैं कि जिम गए, बॉडी बना ली तो वो सबसे अच्छे हो गए। भाई तुम अपनी मम्मी से पूछो जिन्होंने 9 महीने तुमको अपनी कोख में रखा है और इतनी परेशानियां झेली हैं तुम्हारे लिए। सिर्फ तुम 500 ग्राम का वेट अपनी जेब में रख के 9 दिन नहीं घूम सकते हो। लड़के ना ये सब हरकत करके अपनी मर्दानगी दिखाना चाहते हैं। भाई किसी लड़की का अपमान करने में कौन मर्द होता है? वही तो असली नामर्द होता है। तो प्लीज यार, अपनी मम्मी की, अपनी बहन की और हर एक लड़की की इज्जत करना सीखो। इज्जत करोगे ना तो इज्जत मिलेगी। और ये कोई छोटी बात नहीं है कि ऑन एन एवरेज 88 विमेन्स आर रेप्ड एवरी डे इन आर कंट्री। सो थिंक अबाउट इट।